channel and my name is Shayani. So guys, today I have created this traditional beautiful Bengali bridal makeup look. And guys, bridal makeup easy भी नहीं है but बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है create करना. So आप अगर makeup के बारे में थोड़ा सा जानते हो so आप बहुत ही easily अपनी शादी में जो इस तरह की bridal makeup look है ये आप create कर सकते हो. So it's not so difficult task guys. So guys, अगर आप interested हो जानने के लिए कि मैंने किस तरह से ये makeup look create किया है then ये video end तक ज़रूर देखिएगा. और video पसंद आए तो like एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो चलिए गाइस, और ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. फेस को अच्छे से क्लीन करके मॉइस्चराइज कर लेना है एंड लिप्स में भी लिप बम लगा लेना है. विदाउट मॉइस्चराइजर या फेशियल ऑयल बिल्कुल भी हम मेकअप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज मेकअप स्किन को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देता है, दैट्स वाई. सो नेक्स्ट हम लगा लेंगे प्राइमर. सो आइज में एंड पूरे फेस में हम अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लेंगे. बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, थोड़ा सा अमाउंट में ही हम पूरे फेस में प्राइमर अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारी जो मेकअप है वो स्मूथली ग्लाइड हो हमारी स्किन में एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाए एंड फाउंडेशन एंड कंसीलर बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज ना हो. नेक्स्ट मैं आईलिड में कंसीलर अप्लाई कर लूँगी. ये मेरी स्किन शेड से मैचिंग कंसीलर है, कलर है कंसीलर का. तो आपके अगर आईलिड बहुत सा पिगमेंटेड है तो पहले आप ऑरेंज कलर की कलर करेक्टर यूज़ कीजिएगा एंड देन आपकी जो स्किन शेड का कंसीलर है वो आप अप्लाई कीजिएगा ताकि जो यू नो स्किन कलर है आईलिड का वो इवन टोन हो जाए आपकी रेस्ट ऑफ द फेस के साथ. सो आई शेडोज की जो कलर है उसको और भी अच्छी तरीके से पॉपअप करने के लिए और भी अच्छी तरीके से शो करने के लिए मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर लूँगी, अप्लाई कर लूँगी मेरी आईलिड में. सो मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वही आपको यूज़ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपके पास जो प्रोडक्ट्स है या आप जो पसंद करते हो आप वही यूज़ करना, बट मेक श्योर कि ब्राइडल मेकअप में हमेशा वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स ही आप यूज़ कीजिएगा. नेक्स्ट मैं लूज़ पाउडर की हेल्प से मेरी कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि क्रीजिंग बिल्कुल भी ना हो एंड जो आई शेडो है वो बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो सके एंड ब्लेंड हो सके. सो क्योंकि ब्राइडल मेकअप में थोड़ा सा ड्रामेटिक आईब्राउज अच्छा लगता है सो दैट्स वाई मैं म्यूजिक फ्लावर की ब्राउन कलर की जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ टू फिल एंड शेप माई आईब्राउज. सो आप चाहो तो आप कोई भी ब्राउ पोमेड भी यूज़ कर सकते हो बट आई डोंट हैव ब्राउ पोमेड राइट नाउ. सो दैट्स वाई जेल आईलाइनर भी फाइन वर्क करता है. सो कोई भी डार्क ब्राउन कलर की जेल आईलाइनर की हेल्प से आप अपने ब्राउज को फिल कर सकते हो थोड़ा थोड़ा लेके. नेक्स्ट आईब्राउज को एक ही प्लेस में सेट करने के लिए मैं आईब्राउ जेल यूज़ कर लूँगी. सो आई हैव दिस एसेंस आईब्राउ जेल सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. सो आपके पास जो भी आईब्राउ जेल है एंड वट एवर वर्क फॉर यू यू कैन यूज़ दैट गाइस. सो या सो आफ्टर फिलिंग माई आईब्राउज सो आईब्राउ की जो शेप है उसको और थोड़ा सा शार्प लुक देने के लिए मैं कंसीलर से थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगी जो एजेस है आईब्राउज की तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी. नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स अल्टीमेट शेडो पैलेट मैं ये रेडिस ब्राउन कलर की आई शेडो को एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से पिक करके मेरी आईज की हाफ ऑफ द आईलिड एंड क्रीज में मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो ये जो शेडोज है ये काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड है. सो कितना ज़्यादा पिगमेंटेशन आपको चाहिए ये आपके ऊपर है. सो मैं बहुत सा डार्क मैं नहीं चाहती हूँ सो मैं मीडियम टू यू नो डार्क मैं पिगमेंटेशन क्रिएट करूँगी. देन फ्रॉम द मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट मैं ये जो कॉफ़ी ब्राउन शेड है इसको मैं सिर्फ मेरी आउटर वी एंड आउटर क्रीज में लाइक अ सी शेप मैं अप्लाई कर लूँगी एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विद द रेडिश ब्राउन कलर ताकि एक अच्छा सा स्मोकी लुक आए. नेक्स्ट विथ अनदर ब्लेंडिंग ब्रश मैं ये शेड को पिक करूँगी एंड क्रीज के ऊपर मैं ब्लेंड कर लूँगी विद अ क्रीज कलर ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड एक ब्यूटिफुल ब्लेंडेड स्मोकी लुक आए. एंड ऑब्वियसली अच्छे से हमेशा आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे क्योंकि अगर आई शेडोज में लाइन आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन दिखेगा तो वो आई लुक बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा.
नेक्स्ट एक क्लीन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश में मैं ये शेड को पिक करके एज अ ट्रांजिशन शेड मैं पहले वाली जो शेड है उसके एजेस के साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन कलर के साथ हल्का सा यू नो मैच होके एक ब्लेंडेड लुक आए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइज व्हाट आई वांट टू से। नाउ एक हाफ कट क्रीज मेकअप के लिए हमें थोड़ा सा कंसीलर लेना है, देन हमारे जो क्रीज है उसको इस तरह से कट करना है आईलिड एंड क्रीज को एज यू कैन सी गाइज। नेक्स्ट मेकअप रिवोल्यूशन आई शेडो पैलेट से ये दो शिमर शेड को मैं फिंगर की हेल्प से मेरे आईलिड में जो यू नो जो लाइन दिख रहा है कंसीलर एंड आई शेडो के बीच में तो उसमें मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी ताकि जो लाइन है वो थोड़ा सा फेड हो जाए क्योंकि हमें कट क्रीज करना है, कट आईलिड नहीं करना है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट लूज शिमरी गोल्डन आई शेडो को अप्लाई करने के लिए मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश में थोड़ा सा मेकअप सेटिंग स्प्रे को अप्लाई कर लूँगी। सो मेकअप सेटिंग स्प्रे को अप्लाई करने के बाद जो आई शेडोज है वो अच्छे से स्टिक होता है ब्रश में, दैट्स व्हाई। सिर्फ जिस एरिया में मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है सिर्फ वहाँ पे ही हमें जो लूज गोल्डन शिमरी आई शेडो है वो हमें अप्लाई करना है। आप चाहो तो आप फॉयल जेल लिक्विड शिमर ग्लिटर कोई भी आई शेडो अप्लाई कर सकते हो गोल्डन कलर का, इट्स completely up to you. Now I am creating a wing eyeliner with a liquid eyeliner. So आप liquid eyeliner की जगह gel eyeliner, pen eyeliner या काजल भी आप यूज़ कर सकते हो, सो ये आपके ऊपर है। तो मैं सिर्फ प्रोसेस या स्टेप्स दिखाती हूँ, टेक्निक मैं दिखाती हूँ तो किस तरह के प्रोडक्ट या कौन सी मेकअप प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना है ये सिर्फ आपके ऊपर है। नेक्स्ट मैं लोअर लैश लाइन में थोड़ा सा काजल अप्लाई कर लूँगी एंड ये जो काजल है उसको मैं जो पहले वाली मेकअप रिवोल्यूशन एंड निक्स की जो अल्टीमेट शैडो पैलेट से जो दो ब्राउन मैंने यूज़ किया था पहले रेडिश ब्राउन एंड कॉफ़ी ब्राउन, तो वो दो ब्राउन को एक स्मजर ब्रश की हेल्प से पिक करके मैं ये काजल के साथ स्मज कर लूँगी ताकि एक यू नो स्मोकी स्मज लुक आए। नेक्स्ट मैं मेबलिन की लेस सेंसेशनल मस्कर अप्लाई कर लूँगी एंड गाइज ब्राइट है तो थोड़ा सा रोना धोना, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा रोना धोना होगा, सो दैट्स व्हाई वाटरप्रूफ मस्कारा एंड वाटरप्रूफ आईलाइनर इज मस्ट। एंड ये जो मस्कारा है ये आप कितना भी रो लो, कितना भी कुछ यू नो आंसू बहा लो, बट इट्स नॉट गोना स्मज और बज गाइस, सो इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा। सो नेक्स्ट मस्कारा के बाद मैं फॉल्स आईलैश अप्लाई कर लूँगी। सो ब्राइट है तो फॉल्स आईलैश आई थिंक मैंडेटोरी है क्योंकि आईज और भी ज़्यादा बड़ी एंड अट्रैक्टिव दिखती है। सो आवर आई मेकअप इज कम्प्लीट गाइस, सो मैंने पहले ही प्राइमर अप्लाई कर लिया था फेस में, सो नाउ मैं थोड़ा सा ड्यूवी फिनिश प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा ग्लो लाने के लिए फेस में। सो प्राइमर के बाद मैं डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, कोई भी कलर करेक्शन मैं नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है या रेडनेस है तो डेफिनेटली आप कलर करेक्शन करना एंड देन उसके बाद ही आप फाउंडेशन अप्लाई करना, बट कलर करेक्शन करने के बाद फाउंडेशन हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से ही यूज़ करना। सो ये जो मेबलिन की सुपरस्टे फाउंडेशन है ये ऑलमोस्ट फुल कवरेज फाउंडेशन है, सो ब्राइट के लिए परफेक्ट है, मैट फिनिश देता है, बट आप अगर अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करोगे तो ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है। सो ये इट्स अ वेरी वेरी गुड फाउंडेशन। सो मैं मेरे पूरे फेस में एंड ऑल्सो नेक में, चेस्ट में एंड बैक में भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ। क्योंकि ये फाउंडेशन ऑलमोस्ट फुल कवरेज फाउंडेशन है तो मेरी अंडर आइज में कोई भी यू नो डार्कनेस नहीं है हाइड करने के लिए, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा हाइलाइटिंग कंसीलर ले रही हूँ। मेरी अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज एंड थोड़ा सा फोरहेड एंड चिन को मैं हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट सिर्फ जहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई किया था तो वहाँ वहाँ पे मैं लूज पाउडर से सेट कर लूँगी कंसीलर को ताकि बिल्कुल भी क्रीज ना करे। सो क्योंकि ये विंटर टाइम है सो दैट्स व्हाई मैं सिर्फ कंसीलर पार्ट को ही सेट कर रही हूँ विद अ लूज पाउडर, लेकिन अगर आप समर में ये लुक क्रिएट कर रहे हो तो डेफिनेटली पूरे फेस को ही आप सेट करना विद अ लूज पाउडर। मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं बेकिंग नहीं करती हूँ मेरी अंडर आइज को, तो आपकी अगर ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आप बेकिंग कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो मेरी फेस को थोड़ा सा शार्प यू नो कंट्रोल लुक देने के लिए मैं पहले करूँगी क्रीम कंटूर, सो दैट्स व्हाई मैं पहले क्रीम कंटूर को अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy. My heart breaks for you. Can't help
कंसीलर की हेल्प से मैं क्रीम कंटूर को सेट कर लूँगी अच्छे से, जैसे कि कंसीलर को हम कंसीलर या फाउंडेशन को हम लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करते हैं, वैसे ही क्रीम कंटूर को हमें हमेशा पाउडर कंटूर से सेट करना चाहिए। Give my cheeks some color. I'm going to use blush. तो ये स्टे क्वर्की की डबल डुअ ब्लश है एंड मैं दोनों शेड को ही मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है सो आपको केयरफुली चिक्स में अप्लाई करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा। सो दोनों चिक्स में ही मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ विद अ वेरी क्यूट स्माइल। माई स्माइल इज क्यूट राइट? आई डोंट नो, आई एम नॉट टेलिंग, सो यू डिसाइड। सो ब्लश के बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं गोल्डन कलर की हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ एंड बंगाली ब्राइड में हम बहुत ज़्यादा यू नो गोल्डन ज्वेलरी एंड जो बनारसी साड़ी हम पहनते हैं तो उसमें भी गोल्डन का वर्क होता है, गोल्ड जरी का वर्क होता है। सो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड होता है सो दैट्स वाई मैं स्लाइट गोल्डन कलर की हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ताकि यू नो सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मैच हो जाए, दैट्स वाई। तो ब्राइडल मेकअप में इंपॉर्टेंट होता है लिपस्टिक को स्टे करना क्योंकि बार बार टचअप करने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होता है यू नो एंड ऑल दैट थिंग। सो दैट्स वाई हमें लिपस्टिक के अंडरनीथ लिप लाइनर लगाना है। तो लिप लाइनर लगाने के बाद अगर आप लिपस्टिक लगाओगे तो जो लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो रेड लाइनर के ऊपर मैं रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी एंड विदाउट रेड लिपस्टिक गाइस ब्राइडल मेकअप इज कम्प्लीटली इनकम्प्लीट। वाओ। सो ये जो मेबलिन की सुपरस्टे मैटिंग लिपस्टिक है गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक, सुपर लॉन्ग लास्टिंग है एंड ब्राइड के लिए परफेक्ट है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लूँगी मेकअप को बिल्कुल लॉक इन करने के लिए एंड पाउडर मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए। एंड गाइस आई थिंक ब्राइडल मेकअप के लिए ड्यूवी फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़्यादा अच्छा होता है। गाइज कि आपको ये ब्राइडल मेकअप लुक कैसे लगा है और अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।